कांग्रेस के एमएलसी टी जीवन रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि रियासती हुकूमत अपनी माशी सतह पर नाकामियों को छुपाने के लिए अलग अलग हरबे अख्तियार कर रही है। उन्होंने कहा कि उमूमन अब तक तेलंगाना की तारीख में और मुत्तहिद आंध्र प्रदेश की तारीख में बजट इजलास की शुरुआत गवर्नर के खुतबे से होती थी, लेकिन इस बार गवर्नर के खुतबे को रद्द करते हुए सीधे बजट पेश करने की एक नई रिवायत टीआरएस हुकूमत शुरू कर रही है। उन्होंने कहा कि ऐसे हरबों का मकसद आवाम की तवज्जो टीआरएस हुकूमत की नाकामियों की तरफ से हटाना है। अब आइंदा साल में क्या करना चाहते, वो गवर्नर की तरफ से मतलब हुकूमत की तरफ से गवर्नर आवाम को पेश करता। ये गवर्नर जो है उनकी मनमानी से या उनकी अपनी राय आवाम को सुनाने का नहीं है, ये हुकूमत की राय जो है गवर्नर आवाम को सुनाने का है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है आर्टिकल 176 के मुताबिक। आर्टिकल 176 के मुताबिक जब भी असेंबली शुरुआत में और हर बजट सेशन बिगिनिंग में गवर्नर हुकूमत की पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स को आवाम को सुनवाने का ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसीजर है। मगर यहाँ पे तो कुछ अलग ही दिख रहे हैं साहब। मैं केसीआर साहब जो है कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना चाहिए बल्कि बोले तो मैं कुछ अलग ही समझाऊँ। उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना चाहिए जो बोले, मैं समझता हूँ उसके दिल में अपूरा गवर्नर ही नहीं रहना, मरकज हुकूमत नहीं रहना,